करते वासुदेवाय ओं नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। ओम बरहा पीड नट बर बपुः कर्णयोः कर्णिकारः बिभ्रद बासं कनक कपीशं वैजयंतीं च मालं रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपदगमनं प्राविशद् गीतकीर्तिः। भगवान सुंदर भाव नहीं नर्तनशील रूपर तंक लीलार अपूर्व माधुरी को भक्त मानक भितर बांटवापी जे महाप्रभु निजस्व सकल सुख को त्याग करदे केवल भक्तजन मानक सुख उद्देश्य रे विहार करे से महाप्रभुर पाद तले बार 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 प्रणाम। मोर माँ मैने मोर बापा मैने आपण मान को स्वागत करुची भगवान करे सुंदर दरबार को। श्रीमद भागवत कथारे आमे शुणुचे तृतीय स्कंदंकर बाईशतम अध्याय। पचारुचंति कर्दम महामुनि मनुषतरूप आगरे ठिया हैचंति रजा मनु करपत्र जोड़ी प्रणिपात करुचंति पचारुचंति कर्दम महामुनि कि उद्देश्य रे आगमन आपणंकर कुहंतु कि सेवा मुकरी परिवि। रजा उत्तर करुचंति हे रजा मुए दुहिता स्नेहे जड़िए माया मोह बंधे पड़ी एणु मोहर दुख मने कहिबि सुण सावधाने मोहर ज्येष्ठ बेनिसुत उत्तान पाद प्रियव्रत तांक भगिनी येसुमुखी ए देवहूति चंद्रमुखी। ए देवहूति मोर कन्या उत्तान पाद प्रियव्रतंकर भगनी तार पति बा तार बर अन्वेषण करिवा पई आमर ए भ्रमण आउ आमे चिंतित मनरे अछु। आउ कौन कहिले तुम्भर रूप गुण जेते नारद एहार अग्रते कहिले मोहर साक्षाते तेणु कल्पिला एहा चिते। नारद मध्यस्थी हेचंति आ भितरे मो दुहिता आगरे तुमर रूप गुण कीर्ति संपर्क रे चर्चा करिचंति एकथा को शुणी मु मध्य आज तुमर ए आश्रम रे पहुंचीची। एबे मु श्रद्धा प्रीति चीते घेनी मिलोई तो अग्रते तु धर्म ज्ञानी करवार गृह में धीर कर्म कर एथिरे तुमर किछि आपत्ति नहीं तो तुम्हें तो ज्ञानी तुम्हें तो पंडित लोक गृहस्थ कर्म को ग्रहण कर उत्तम गृही हुआ उत्तम स्वामी टीए हुआ मोर कन्या को ग्रहण कर ना कौन अच्छी एणे तो प्रतिवाद नाही निष्काम धर्मे जेबे थाई उद्यत भोग जेबे छाड़ी जे जानती भिक्षु पथ माड़ी उभये जस तार नाही पुणी से अवज्ञा को पाई। प्रतिवाद अच्छी एथिरे मनोउणा अच्छी कि छाड़ी देकर पलै जीव कि भावुच कि गृहस्थ धर्म कर्म कले भगवत पथर विच्युत हो तेणु गृहस्थ हवा अनुचित कहीं कन्या को वरण करी कहीं जंजाल पशिवि एमती मनरे विचार आसुची कि पुणी कहते रजा तुम्भर ब्रह्मचर्य व्रत अवधि हेला समापत जहाँ अनुभव करी पारुची विधि जहाँ विधान अच्छी नारदंकर जहाँ वचन अच्छी ब्रह्मांकर जहाँ वाणी अच्छी
भगवान कर जहाँ आदेश अच्छी एठी तुम ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त हब तुम्हें एवं मो कन्यार पाणी ग्रहण करिव एहा मोर विचार। कर्दम उवाच हरि तुम्भर आज्ञा शिरे धरी ए देवहूति विभाकरी रमिवि संसार धारणे आत्मार उत्पत्ति कारणे जे मनु राजा रदुहित उत्तान पाद जार भ्रात से गुणवती कन्या सार कियो वा देवा पोटांतर। निश्चित रूप से भल पर आसी जार भाई माने उत्तान पाद प्रियव्रत धन्य होइतिबो सी जार पिता प्रजा मनु धन्य होइतिबो सी जार माता हेउचंती सतरूपा धन्य होइतिबो सी से कन्या निश्चित धन्य। आपण आदेश को मथापाति ग्रहण करी मु सादरे गृहस्थाश्रम प्रवेश करी। आउ कौन कहिले मोहर कर्मे विदित सुंदर गुणवर्ण युक्त के ताहा छाड़ी बापारे शरीर बहिए संसारे करी दार परिग्रह तुम्हें मोहरे दया बह किंतु ये नियम मोहर शुण हे धर्मपाल बर जावत एहा कोले तात सुंदर गुणवंत पुत्र तावते गृहश्रमे रही तहु संन्यास करी बही। कले शर्तटी अच्छी राजा कहले कि सर्त कहले केवल आउ केवल से समय मु गृहस्थ आश्रम रे रही जे पर्यंत मोर पत्नी रे पुत्र लाभ होना पुत्रटीए हब कोल आर बढ़ सही समय रे मोर ईश्वर को संतुष्ट करने सन्यास व्रत को पुनः ग्रहण करी गृहत्यागी हेबी राजी तो राजी हेले समस्ते पुणी कौन कहुचंदी गृहाश्रमे रही तहु सन्यास करी तुम्भ वचन मान्य मोर जे भावे जन उपकार एमते विष्णु अनुमति तुम्हंकु कहिली संप्रति। मैत्रेय महामुनि कहुचंदी विदुर हे साधारण प्राणी माने धनलोभी गृहलोभी देहलोभी किंतु देख कर्दम महामुनि को सुंदरी नारी मिलुची तत्सहित भोग विलास मिलुची किंतु सी कौन कहते जेपर्यंत पुत्रटीए होना से पर्यंत मु गृही किंतु पुत्र लाभ हेले मु सन्यासी बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। मैत्रेय महामुनि विदुरंक उद्देश्य कहिले ए ममते द्विज वाक्य शुणी संतोष चित्ते राजा राणी मुनिंकी बर वेश करी वेद विधाने कन्यावरी विवाह देई से उत्सुक अनेक देले जौतुक। बाजी की कन्या मिलला बाजी की जौतुक मिलला आउ कौन मिलला भूषण बसन कांचन गृह उपकरण विधान झियो जुआई प्रीति अर्थे से राणी देले बहुमते पनिकी कोरोना हैं बेलना पेड़ी काठी जहाँ दरकार सबू देले हैं घोरणा देले कोरोना देले गृहकरण उपकरण देले झियो आमर भलरे घर करू आशीर्वाद देले झियो जुआई प्रीति अर्थे से राणी देले बहुमते सकल देई बेनिजने बुधिले अमृत वचने आनंद चित्ते दंडधारी मुनिंकी आलिंगन करी कंठ कुंठित अश्रुमुखे दुहिता स्नेह भंग दुखे हे मात बोली अश्रुमुख दुहिता दुखे अति दुख दुहिता केश नेत्र जले अति कातर आद्र कले। एमती हुए कन्या विदा बेल माँ टिके कांदिले झियो टिके कांदिले परस्पर को कोलाग्रत कले अश्रु धाराधारा उभयंगर बही जाउची एते दिनर अपूर्व भाव आज पुणी तेज्य हो जीव कन्या पर हो जीव माँ कांदुचंती झियो कांदुची हाँ बोलो आनंद एक बार हरि बोल हरि मुनिंकी कन्या
दान दे आनंदे कृत कृत्य होई रथ आरोही बेनी जने गले से आपना भुवने निज घर को चली गले केमिति गृहस्थ आश्रम रे जीवन बंचिबे कर्दम देवहुति बड़ सुंदर गहन व्यापार ये कर्दम महामुनि भगवानंकर नाम गुण कीर्तन रे सदा सर्वदा आनंद पाती किंतु गृहस्थाश्रम रे प्रवेश कले भगवान का आदेश आउ इच्छा रे पत्नी पुणी मिलिले देवहुति उभयंकु अनेक धन संपत्ति आशीर्वाद दे पिता माता विदाय नेले किंतु आमे जेपरी साधारण रे विचार करूचे जे उभय गृहस्थाश्रम रे अंगसंग लाभ करिवे देह सुख को परिपूर्ण भाव रे भोग करिवे गृहस्थाश्रम अतिवाहित करिवे सेपरी हेला नाही कर्दम महामुनि तपरे व्यस्त रहिले एपटे देवहुति सेही भली भाव रे अखंडित चित्तरे बिना द्विधारे मन मध्यरे कौनसी कलमस कौनसी द्विधा न आणी जेपरी ऋषि इच्छा करती सेपरी सेवा करने को लगिले ऋषि कौन इच्छा करती ना ऋषि पाई तंकर कुश ताकु यथास्थान रखिबा ऋषि तप आचरण पाई मृगचर्म ताकु यथास्थान रखिबा ऋषिंकर सकल प्रकार यज्ञ उपकरण ताकु यथार्थ भाव सुंदर एवं परिष्कार परिच्छन्न परिष्कृत करी यथास्थान नहीं थोई दवा ये सबु कार्य निखुण भाव लगी था देवहूति राजा घर झियो ऋषि घरे रही एभली खटनी खटिबे देहर जो चाकचक्य थिला से कौन आ रहिबो रहिलानी ऋषि पत्नी व्रत को आचरण कले आम घरे स्वामी स्त्री किए कहार मार्ग को सहजरे अनुसरण करि पारु नहंती तेणु मत मतांतर मन मनांतर मत मतांतर जाए ठीक आज एटा करिबा नाय नाय काली सेटा करिबा चलिबो किंतु मन मनांतर हेले तो संसार फाटी जिवो देवहूति कौनसी प्रतिवाद न करी नीरवरे स्वामी सेवा करुचंती श्रीमद् भागवतंकर एई कथा को सुणु सुणु विदुर मैत्रेय संवाद रे तृतीय स्कंदरे आमे 23तम अध्याय रे प्रवेश करिगले मैत्र उवाच ए मन्ते कन्या विभा देई मनु जे गले रथ वाही एबे हो सुण कुरुनाथ कर्दम मुनिक चरित कुरुनाथ किए विदुर से नदी तीरे पुण्यवने दृढ़े रहिले तपस्ताने ताहंक पत्नी देवहूति सुंदर सुगुण सुमती स्वामीर मन जाणी चित्ती सेवा कर अविरते इंगित मात्रे आज्ञा वहे भवानी भव सेवा प्राय विश्वास आत्मशौच धर्मे धीर गौरव समदमे शुश्रूषा सुहृदय प्रेमे मधुर वाक्ये सुसंभ्रमे घरे जी गृहिणी टी हेच मा मोर ये चारधाड़ी मुझ थे पढ़वी आउ थे उच्चारण करवा आउ थे शिखिबा गृहिणीर धर्म कौन पत्नीर धर्म कौन पत्नी पतनात त्रायते इति पत्नी स्वामीर पतन हम ना से पाखे पाखे पतन उद्धार करने स्वामीर गुरुजन बड़ भाई बातांकर पिता माता स्वामीर जो अपत्य माने हेबे स्वामीर सखा माने पुणी ए समस्त को मिसेई जो परिवार हला से परिवार को एकाकार कर रखिबा पाई कौन कौन दरकार विश्वास आत्मशौच धर्मे धीर गौरव समदमे शुश्रूषा सुहृदय प्रेमे
मधुर वाक्य सुसंभ्रमे। वाक्य मधुर कहिव, धीर हव, आचरण गौरवमय हव, मन मध्यरे विश्वास रहितिव, नाना मु केबे हारिबि नाही, जेते कष्ट पडु मु समस्त कर्म आनंद रे अतिवाहित करै नेबि। हां वर्जित काम मद हिंसा दंभ गर्वित मिथ्या भाषा, कौन कौन वर्जन करिव, काम भावना को वर्जन करिव, मद आउ हिंसा को वर्जन करिव। मा माने सतरे कौन हेई पारुछु ए कथा विचार कर। दंभ गर्वित मिथ्या भाषा उद्यम नी सरलमति स्वामी संतोषी मनस्थिति, सबुबले उद्यम रहिव, सरलमति रहिव, आउ स्वामी को संतुष्ट करिवा पाई जत्पर नास्ति चेष्टा रहिव। बोलो नंदनंदन भगवान की जय। मनु तनया देव हुति देव समाने मणि पति, पतिर आशीर्वाद लाभ करिवा पाई तार लोभ, तेणु पतिर सेवा नित्ये करई भक्ति भाव चित्ते, ए ममते देवहुति चाहि मुनि सानंदे स्नेह वही। मुनि आजि पर्यंत पत्नी को केबे आखि पुरै देखि नाहंती। पत्नी ढेर वर्ष सेवा कलेणी पतिर सुख पाइबा पाई, पतिर आशीर्वाद पाइबा पाई, ए अखंडित सेवा। आजि महाप्रभुंकर इच्छा हला, करुणा हला, मुनि सानंदे स्नेह बही चाहिले देवहूतिंक आड़क। हाँ निरते से बे स्वामी पासे पति देवतार आशीषे, ताहार पति व्रता धर्म देखी विचार ई करदम। मन को विचार आसला केते खटनी खटुची मोर पत्नी, केते धर्म तार, केते सुंदर कार्य से न करुची, इड़े भल सुंदर पत्नी को मु पाखरे पाई मु धन्य। ए पति व्रतांकर सार सुशील सुगुण गंभीर, ए ममत गुण मने गुणी सप्रेमे गद गद वाणी, निज कामिनी मुख चाही करदम कहे कृपा बही। इत्ते दिन हला किछि चाहि नथिले, कहि नथिले, आजि देखिले त्याग को, आजि देखिले सेवा को, आजि देखिले अर्पण को, आजि देखिले समर्पण को, तेणु यार प्रत्युत्तर दबा दरकार। स्त्रीर मुह को चाहि कहिले कर्दम वाच, शुण सुंदरी मो वचन मोर विषय तोर मन, देखी संतोष मोर चित्त तू अनुव्रते मोर भक्त, प्राणी मानंक निज देह सुहृद प्रिय अति स्नेह, से देहे तोर जत्न नाही मोहरी अर्थे मन दे। हे सुप्रिया, हे सुमती, प्रत्येक प्राणींकर संतोष निज निजर शरीर रक्षण बेक्षण रे। आत्मसंतोष पाई भूरी भोजन करिवा, आत्मसंतोष पाई शयन करिवा, आत्मसंतोष लाभ रे जीवन अर्पण करिवा होची कार्य। किंतु आज तो सेपरी हेला नहीं, दीर्घ दिन धरी मु देखि आसुची तुमर कर्म आउ कर्तव्य केवल मो प्रति समर्पित, तुम्हें निज शरीर पाई निज पाई टिकिए हेले तो भावुना। हे सुमुखी, तुम्हें प्रकृतरे त्यागी, प्रकृतरे त्यागी तुम्हें धन्या। आउ कौन कहिले, स्वधर्मरत प्राणींकर तप समाधि विद्यासार, सुदृढ़ कर्म आत्मध्यान जीवंक हित तत्व ज्ञान, ए सर्व गोविंद प्रसादे मुझे साधिली निरापदे। हाय मु केड़े स्वार्थपर, मु गोविंदंकर आशीर्वाद पाइवा पाई साधन कली, सुदृढ़ कर्म कली, आत्मध्यान कली, तप समाधि इत्यादि श्रेष्ठ विद्या को हासिल कली। हैं तोते मु दिव्य चक्षु दान कली तू देख विद्यमान। सुमुखी आज मु तो ठारे प्रसन्न चित्त होई मोर साधना बल रे तो मुखरे भगवत वाणी को स्थापन कर दउची, तो अंतकरण रे प्रभु को प्रेम भाव को रखी दउची, आउ ए सबु पाई मु तोते दिव्य चक्षु प्रदान करुची। अर्थात तोरी भितरे अखंड ज्ञान रो उदय हो जाऊ, करदम महामुनि आशीर्वाद करिदेले।
ए सर्व तोहर सुसाध्य एवे तू भज विष्णु पाद। अंतकरण रे प्रभु पाद भजन करियार लागि जाओ। मन रख हे मोर माँ मने, जदि योग्य स्वामी पाइच, गुणवान स्वामी पाइच, तांकरी आशीर्वाद रे तुम्हें प्रभु को मध्य पाई परिबो। तेणु स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म। मन मध्य रे गंठी करी नियो देवहूतिंकर ए संवाद, देवहूतिंकर ए सुंदर कथा कहानी आमको यही शिक्षा दौची। भागवत कहिले गोविंदु जेबा भोग पाई से भोगे भय शोक नाही। यदि गोविंद सेवा करिवो, गोविंदंक ठारु जहाँ आशीर्वाद मिलिवो, से भोगरे भय नाही, से भोगरे शोक नाही। तू सिद्ध हेलु निज कर्मे आपणा पतिव्रता धर्मे। अपना पतिव्रता धर्म रे तू आज सिद्ध, एणु तू दिव्य भोग कर जहा दुष्प्राप्य मानवर। साधारण मानव पाई जहा दुष्प्राप्य हे देवहूति मु आशीर्वाद करुची तुम्हें ताहा आज प्राप्त हुओ भोग कर। एविने अन्य भोग जेहि कि कार्य तुच्छ से अटई अधिक गुणा किबा कही सर्व सम्पदे जिणी पाई से हरि चरण पंकज निर्मल चित्ते एवे भज। दिव्य ज्ञान देदेली, अंतकरण रे भक्ति उद्रेक हेगला, प्रभुंकर नाम भज, पतिव्रता धर्म तुमर जेभली अखंडित चित्तरे मोर सेवा कल भगवानंकर भी सेहिभली सेवा कर। मैत्रेय उवाच एमंत कर्दम वचने से देवहूति तो समने भर्तावदन चाहि कहे गभीर वाक्य सुधामय। आज पर्यंत स्वामी आगरे किछि फेरादी हेइ नथले, किछि कहि नथले। स्वामी आज जेतेबेले पत्नी सुहागिनी हेइगले, हाँ ये पत्नी आड़क चाहिए सुंदर वचन कहले, मनरे टे बल है, मनरे टे भाव सृष्टि है। आज टी कह स्वामी को मनर कथा कह। देवहूति उवाच भोनाथ तुम्भर प्रसादे तुम्भ चरण अप्रमादे निरते हेउ मोर सेवा प्रसन्ने मोते आज्ञा देवा। प्रसन्न चित्तरे मते आज्ञा दियंतु आपणंकर पाद तले मोर सदा सर्वदा खटणी हेइताउ। आउ कौन कहिले तुम्हें मोहर तुले एबे गृहस्थ धर्मे प्रिय भावे अतुल्य धर्म भोग कर जे धर्म काम धेनुसार। स्वामीन पितामर आपणंक पाखरे मते अर्पण करिथिले गृहस्थ धर्म को भोग करिवा पाई। विनम्रतार सह मु आपणंक पाखरे निवेदन करुची आसंतु गृहस्थ धर्म को भोग करिबा। मते पत्नी रो उपयुक्त मर्यादा आपण देबे, मु मोर पतिव्रता धर्म रे श्रेष्ठा एहा आपण स्वीकार करिचंती, मते पत्नी रो मर्यादा मध्य प्रदान करंतु। देवहूतिंकर सुमधुर कोमल वाणी स्वामींक पाखरे ए सुंदर अळी कण स्वामी कर्दम सतरे रक्षा करिवे, तप छाड़े गृहस्थ आश्रम प्रवेश करे, पतिपत्नी उभय पतिपत्नीर जो धर्म रक्षा करे ता संसार कि कल्याण कर सब जाणी किंतु आगामी पर्यायर। आजपाई बाणी विराम नौचंती आनंद कह गोविंदा 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 राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे 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 गोविंद गोविंद। एमती भजु थांतु कृपा पाऊ थांतु आजपाई मते आदेश दियंतु एठी बाणी विश्राम नियंतु प्रेमरे कुहंतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय।